गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स या तलों के प्रक्षेप में विभिन्न प्रकार के तलों की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रक्षेप बनाना सीखने के क्रम में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 50 मिलीमीटर व्यास के वृत्त के प्रक्षेप खींचो जिसका केंद्र 30 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर तथा 35 मिलीमीटर वर्टिकल प्लेन के सामने है। वृत्त हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के लंबवत है, तो इसके हॉरिजॉन्टल ट्रेस व वर्टिकल ट्रेस भी दर्शाइए, यानी कि दीप्ति चिन्ह भी दर्शाइए। यह कोई वृत्ताकार तल है जो 50 मिलीमीटर व्यास का वृत्त है और इसके प्रक्षेप खींचो जिसका केंद्र 30 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पर हो सकता है तथा वर्टिकल प्लेन के सामने है, और वर्टिकल प्लेन के 35 मिलीमीटर सामने है तब यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। वृत्त HP और VP दोनों तलों के लंबवत है। जब दोनों तलों के लंबवत है तो इसकी स्थिति लगभग ऐसी दिखाई देगी, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इसकी प्रक्षेपी रेखाएं एक रेखा के रूप में होंगी, और वर्टिकल प्लेन पर भी सामने से देखने पर इसकी प्रक्षेपी रेखाएं एक रेखा के रूप में होंगी। जब रेखा के रूप में होंगी तो ये दोनों ही वर्टिकल ट्रेस और यह हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाएंगे। इसके लिए प्रक्षेप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले XY रेखा बनाएंगे। XY रेखा के ऊपर वर्टिकल प्लेन प्राप्त होगा क्योंकि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूव करेगा 90 डिग्री, तब यह हॉरिजॉन्टल प्लेन XY रेखा से नीचे प्राप्त होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यह स्थिति होती है। यह वृत्त लेफ्ट साइड से कंप्लीट राउंड आपको दिख सकता है, इसलिए इसका कंप्लीट राउंड भी आप बना लेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड में लेफ्ट साइड व्यू बनता है, इसलिए यह लेफ्ट साइड व्यू हम यहाँ पर बना लेंगे जिस स्थिति को यहाँ पर हमें बताया गया है उस स्थिति के अनुसार। और फिर इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहाँ पर बना लेंगे। बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि स्थिति आपको ऊपर दर्शाई गई है, एक 50 मिलीमीटर व्यास के वृत्त के प्रक्षेप खींचो अर्थात 25 मिलीमीटर त्रिज्या है जिसका केंद्र 30 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 मिलीमीटर ऊपर समांतर रेखाएं बना दो इस तरह से, जो फ्रंट व्यू के लिए भी होंगी, तथा 35 मिलीमीटर वर्टिकल प्लेन के सामने हैं। 35 मिलीमीटर वर्टिकल प्लेन के सामने हैं तब 35 मिलीमीटर के लिए भी एक वर्टिकल प्लेन के समांतर रेखा बना देंगे। इन दोनों रेखाओं से यह बिंदु हमें केंद्र प्राप्त हुआ जिस पर हम 25 मिलीमीटर त्रिज्या या 50 मिलीमीटर व्यास के लिए वृत्त बना देंगे। इस तरह से आप वृत्त बना लेंगे, और वृत्त की प्रक्षेपी रेखाएं XY रेखा और ये इस रेखा दोनों पर बनाएंगे इस तरह से, जिससे कि आप हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस या फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के लिए प्रोजेक्शन बना सके आसानी से। जब यह वृत्ताकार तल टॉप व्यू से देखने पर एक रेखा के रूप में यहाँ पर दिखेगा, तो यह रेखा वर्टिकल प्लेन से कितनी दूर होगी वह आप यहाँ से समझ लेंगे। 35 मिलीमीटर वर्टिकल प्लेन के सामने है और यह 25 मिलीमीटर यहाँ पर, तो 10 मिलीमीटर यहाँ पर हो गई, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 10 मिलीमीटर नीचे, 10 मिलीमीटर नीचे से एक बिंदु बनेगा और यह रेखा इस तरह से प्राप्त होगी। यह रेखा कितनी लंबाई की होगी? 50 मिलीमीटर व्यास है, 50 मिलीमीटर लंबाई की यह रेखा होगी। इस वृत्त के लिए आप नाम लिख सकते हैं AB, यह व्यास है, यह CD है, इसका एक और व्यास, और अन्य चार रेखाएं जो इसको बराबर भागों में बांटती हैं वह भी बना लेंगे, जिससे कि आपको प्रक्षेप बनाने में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के लिए आसानी होगी। यह सभी 45 डिग्री पर रेखाएं हो गई हैं, इनके नाम भी आप लिख सकते हैं। अब इन सभी बिंदुओं के लिए आप XY रेखा और इस वर्टिकल रेखा के लिए प्रक्षेपी रेखाएं या बिंदुपथ रेखाएं बना देंगे, जिससे कि आप प्रक्षेप आसानी से बना पाएंगे। इस रेखा के लिए भी आप
क्योंकि यह 10 मिलीमीटर नीचे प्राप्त हुई है, तो एक्स वाई रेखा के 10 मिलीमीटर नीचे एक्स वाई रेखा के समांतर रेखा इस तरह से बना देंगे। 50 मिलीमीटर व्यास है तो एक्स वाई रेखा से 60 मिलीमीटर नीचे की ओर एक और समांतर रेखा इस तरह से बना देंगे और इन दोनों रेखाओं को यहाँ पर मिलाएंगे और अंतिम रेखा को भी मिला सकते हैं इस अंतिम रेखा से, या फिर पहले आप इस रेखा के समांतर यहाँ से बनाते चलिए इस तरह से, क्योंकि यह रेखा वृत्त के केंद्र से होकर यहाँ पर काट रही है एक्स वाई रेखा को, तब यह रेखा यहाँ पर कट करेगी और एक्स वाई रेखा के समांतर फिर से यहाँ पर लाएंगे, तब यह बिंदु इस वृत्त के केंद्र को बताएगा इस रेखा पर कहाँ पर है। इस केंद्र का नाम ओ रख सकते हैं अपने वृत्त में और तब यह ओ बिंदु है और ए और बी भी यहीं पर हैं, तो ओब्लिक करके ए और बी भी यहीं लिखेंगे। और कौन से बिंदु इस रेखा पर आते हैं, सी और आई बिंदु भी यहीं पर है, इसलिए ओब्लिक करके सी और आई बिंदु भी इसी बिंदु पर प्राप्त होंगे इस रेखा के लिए। और यह कौन सा बिंदु है, यहाँ पर केवल ए बिंदु प्राप्त हो रहा है, तो यह ए है और यह बी है, तब यह बी है। और एफ और ई, जी और एच कहाँ पर प्राप्त होंगे, एफ और ई से जाने वाली रेखा यह है और यह एक्स वाई रेखा के समांतर आगे बढ़ा देंगे, और एफ और ई हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे, एफ ओब्लिक ई कर लेंगे क्योंकि दोनों बिंदु यहीं पर हैं और आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। और जी एच कहाँ पर प्राप्त होंगे, जी एच एक्स वाई रेखा के समांतर यह रेखा बनाइए और यहीं पर जी और एच हैं। यह रेखा आपका आंसर है, यह रेखाएं 2H पेंसिल से बनेंगी, यह रेखाएं आंसर नहीं है। यह वृत्त का लेफ्ट साइड व्यू है, इसकी सहायता से आपने टॉप व्यू पर प्रक्षेप किस प्रकार बनेगा यह रेखा प्राप्त कर ली है और बिंदुओं के नाम भी आपने लिख दिए हैं, और यह रेखाएं आप 2H पेंसिल से बनाएंगे, यह रेखाएं आपका आंसर नहीं है। यह केवल डायमेंशनिंग या एक्यूरेसी के लिए है कि आपने कहां पर कौन कौन से बिंदु प्राप्त किए हैं। इसके बाद फ्रंट व्यू बनाएंगे, फ्रंट से जब आप देखेंगे, फ्रंट इस ओर से मानते हैं, जब फ्रंट से आप इस वृत्त को देखेंगे तब आप इस तरह से देख रहे हैं, या फिर इस तरह से इमेजिन कीजिए, जब आपकी स्क्रीन के सामने है वृत्त इस प्रकार है तो आपको केवल एक रेखा के रूप में यह दिखाई देगा, तब वर्टिकल प्लेन पर यह एक रेखा के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन कहाँ पर होगा, कितनी ऊंचाई पर प्राप्त होगा, यह हम यहाँ से समझेंगे। एक्स वाई रेखा के समांतर रेखाओं को आगे तक बढ़ा देंगे जिससे कि हमें प्रक्षेप बनाने में आसानी होगी, जो जो भी रेखाएँ हैं उनको इस तरह से बना देंगे। इस चित्र से आगे समझते हैं और प्रक्षेप बनाते हैं फ्रंट व्यू के लिए। चूँकि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 मिलीमीटर ऊपर की ओर है और स्वयं इसकी त्रिज्या 25 मिलीमीटर है, तब यह केवल 5 मिलीमीटर ऊपर है, यह दूरी 5 मिलीमीटर आपको पहले ही बताई है। और इस वृत्त का व्यास या फिर इस वृत्त की सहायता से यहाँ पर प्रक्षेपी रेखाओं द्वारा बना लेंगे, और इस वृत्त का व्यास 50 मिलीमीटर है, तब यह 50 मिलीमीटर वाली रेखा इस तरह से बन जाएगी, या फिर इसकी प्रक्षेपी रेखाओं की सहायता से आप बना सकते हैं इसको। और इसका नाम लिख देंगे, यह बिंदु सी यहाँ पर प्राप्त होता है, यह आई बिंदु यहाँ पर प्राप्त होता है, एच और ई यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ओब्लिक करके लिख लेंगे एच और ई को, ओ ए और बी यहाँ पर प्राप्त होते हैं, यह इस रेखा पर केंद्र प्राप्त होता है इस वृत्त का, यह ओ है और ए और बी भी यही है, इसलिए ओब्लिक करके लिख सकते हैं। एफ और जी इस बिंदु पर प्राप्त होंगे और बिंदु सी यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके बाद डायमेंशनिंग करेंगे और अपने आंसर को 2B पेंसिल से डार्क करेंगे। यह सभी रेखाएं अभी तक जो भी कुछ है सभी 2H पेंसिल से लिखा हुआ है। डायमेंशनिंग करने के बाद 50 मिलीमीटर, 5 और 10, 50 और यह डिस्टेंस ही, यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है। इस तरह से डायमेंशनिंग करने के बाद आप 2B पेंसिल से आंसर को डार्क कर देंगे। यह चित्र भी आंसर है, अभी तक आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा यही दो आंसर होते हैं। यदि इस चित्र में यह सहायक चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ रही है और यह सहायक चित्र लेफ्ट साइड व्यू या राइट साइड व्यू है, तब इसको भी आप डार्क कर देंगे और लिख देंगे लेफ्ट साइड व्यू, फ्रंट व्यू कहाँ पर है और टॉप व्यू कहाँ पर है, और वर्टिकल प्लेन की स्थिति और हॉरिजॉन्टल प्लेन की स्थिति एक्स वाई रेखा के ऊपर या नीचे आपने पहले ही लिखी हुई है। आगे पूछा गया है हॉरिजॉन्टल ट्रेस या वर्टिकल ट्रेस दर्शाइए, वर्टिकल प्लेन को यह किस प्रकार वृत्त काट रहा है रेखा के रूप में, जहाँ पर रेखा के रूप में काट रहा है वह वर्टिकल ट्रेस है, वर्टिकल प्लेन को काटने वाली रेखा, और हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहाँ है, यदि यह वृत्त
हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक रेखा के रूप में कहीं पर काट रहा है, तब वह रेखा इसके लिए हॉरिजॉन्टल ट्रेस है। तो यह रेखा हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त हुई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और यह रेखा वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त हुई है, तब यह वर्टिकल ट्रेस है। आपका आंसर कंप्लीट होता है। यह सब करने के बाद जैसे डायमेंशनिंग आपने डार्क करके आंसर दिखा दिया है, बाकी सब चीज़ें लिख दी हैं, बिंदुओं के नाम लिख दिए हैं, लेफ्ट साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, इस तरह से आपका आंसर यह कंप्लीट होता है। इसके बाद अन्य प्रकार के तल के लिए और क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।